जय हिंदू राष्ट्र। इसराइल के साथ हमास की यानी यहूदियों के साथ इस्लामियों की लड़ाई अब अपने तीसरे चरण में है। पहले चरण में इसराइल ने गोला बारूद जमकर बरसाया, उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तोड़ी, उनके हमास के सेंटर्स तोड़े। दूसरे चरण में उन्होंने उनकी जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जिनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बना रखी हैं इन कमबख्तों ने कि जिनके अंदर गाड़ियां दौड़ सकती हैं, मोटरसाइकिल दौड़ सकती हैं। 400 किलोमीटर का अंदाजा है कि इतनी टनल्स बना रखी हैं। तो उसमें उन्होंने अलग तरह के बम गिराए। आपको ध्यान होगा भारत पर जैश ए मोहम्मद और निसा पलटन ने हमला किया था सैनिकों पर, तो उसके जवाब में बालाकोट में भारत ने एक्शन लिया था। परतंत्र कश्मीर का एक इलाका है, भारत ने जो बम गिराए उस पर वो इस तरह के थे जो कंक्रीट भेद कर अंदर पहुंच के फटते हैं और उनके बेसमेंट का बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। एक अनुमान के अनुसार, क्योंकि इसकी पक्की जानकारी तो मिल नहीं सकती हमको, इसकी जानकारी राज्य को होगी, राज्य हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। फिर भी जो जानकारी हमें मिली है कि 600 से अधिक मोबाइल नंबर एकदम से खामोश हो गए, यानी उसके सिम उड़ गए, मोबाइल उड़ गए, जिनके पास मोबाइल थे वो उड़ गए। एक साथ भारत ने बालाकोट में खाल में मसाला लगा दिया। तो ये जो बम था, जो कंक्रीट भेद के गहरा जमीन के अंदर 20 मीटर गहरा मार करता है, ये इसराइल की टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल को ये पता नहीं है कि वहां हमास ने क्या कर लिया और कैसा सुरंगें बना रखी है, टनल्स बना रखी है। स्वाभाविक है, युद्ध की तैयारियां होती हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे की जानकारी करते हैं। तो इसराइल ने इस सब की जानकारी एडवांस में की हुई थी। सेकंड चरण में उन्होंने उन टनल्स के मुहानों पर जहां जहां उनकी जानकारी या आवश्यक था वहां वहां बम गिराए और हमास की जो लीडरशिप है उसकी सेकंड लाइन बुरी तरह से तबाह कर दी। फर्स्ट लाइन के भी लोग नेस्तनाबूद कर दिए। वो चांडाल जिसने ये इसराइल पर हमला प्लान किया था वो मारा गया है और अब युद्ध तीसरे चरण में आ गया है। इसराइल ने अपनी सेनाएं गाजा में उतार दी हैं, उत्तरी दक्षिणी कुछ नहीं, सब गाजा का बाजा बज रहा है। यहूदियों के खिलाफ मुसलमानों की लड़ाई रसूल की सुन्नत है, मोहम्मद ने ये सब कुछ सिखाया था, किया था, और उसके साथियों ने यहूदियों को मारा, मोहम्मद ने भी यहूदियों को मारा। लगातार ये सारे काम जमाने से हो रहे हैं और ये अब तक इसलिए खिंच गई कि यहूदियों ने इसका भरपूर जवाब नहीं दिया, पहल नहीं की, घर में घुस के मारने वाली मनस्थिति नहीं बनाई। इसराइल बनने के बाद उन्होंने कुछ छोका पीटी शुरू की, बाद में वो तेजस्विता उनके अंदर उठी। अब मैं अगर भारत के संदर्भ में देखूं तो क्या भारत की भी यही मनस्थिति नहीं है? हमारी भी ये स्थिति नहीं है? बालाकोट हमने क्यों किया कि हमारे सैनिकों को मार दिया था? बालाकोट की जानकारी तो पहले से होगी, एकदम से थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, लगातार काम करना पड़ता है। बालाकोट में पहले क्यों नहीं मारे? इसका इंतजार क्यों किया कि वो हमारे सैनिकों पर आक्रमण करें उसके बाद हम आक्रमण करें? पहले मारे सो मीर, जो पहले पीटता है, जो संघर्ष में पहल करता है वो जीतता है।
भारत को भी ये बात समझनी चाहिए, इसराइल जो कुछ कर रहा है वो सदियों बल्कि हजारों साल टक्कर खाने के बाद, मार खाने के बाद, पिटने के बाद, चोट खाने के बाद उन्होंने किया। भारत कितने हजार साल बाद सीखेगा? 1300 वर्ष तो हो गए हैं ये सब कुछ झेलते हुए। 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ था, सिंध की ओर से भारत पर आक्रमण हुआ था, उससे पहले थाने में लोग आ गए थे जिन्हें मारपीट के भगा दिया गया था। हम अपने बचाव के लिए आक्रमण करना कब सीखेंगे? जय हिंदू राष्ट्र।